हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। गुड मॉर्निंग पापा, आपकी चाय। सुबह के 8 बजे अपने ससुर जी को चाय देती हुई विभा वापस किचन में जाके अपने काम में जुट गई थी। रात भर घुटनों में दर्द की वजह से नींद नहीं आई। विभा की सास अपने घुटनों को हाथ लगाती हुई बालकनी में बैठे अपने पति के पास जाकर बैठ गई। मम्मी जी, आपकी चाय। विभा, तू भी नाश्ता कर ले, सबका ख्याल रखती है, थोड़ा अपना भी रखा कर। हाथों पर पड़ी झुर्रियाँ, आंखों पर चश्मा, उम्र दराज विभा की सास उसके लिए चिंता जताए कह रही थी। विभा के सास ससुर ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखा था। शादी के 5 साल बीत चुके थे। रसोई की खिड़की खोलकर विभा सामने गार्डन में झांकती हुई चाय पी रही थी। नाश्ते की प्लेट लाती हुई विभा किचन से बालकनी की दूरी तय कर रही थी कि उसके कदम रुक गए। पीछे मुड़कर लिविंग एरिया में सामने दीवार पर टंगी तस्वीर निहारने लगी। लाल शादी का जोड़ा पहने विभा अपने पति के साथ खड़ी थी। उस तस्वीर में खड़ी विभा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। पापा नाश्ता, मैं सोनू को उठाने जा रही हूँ। सोनू 4 साल का विभा का बेटा था। विभा कमरे में जाके सोनू को उठाती हुई नाश्ता करवाती है। चलो चलो, दादी बुला रही है। आज कपिल को गए 3 साल होने को आए। विभा भी अच्छी खासी दिखती है, हमें उससे बात करनी चाहिए। रमीला जी, आप जानती हैं विभा इस घर को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहती, आपको तो पता ही है। तो फिर ये बात करके क्यों उसका दिल दुखाना, विभा के ससुर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। मम्मी चलिए, मैं आपकी मालिश कर दूँ, घुटने दुख रहे होंगे ना। ये देखिए, पड़ोस वाली आंटी ने जड़ी बूटी का तेल दिया है, आपको बहुत आराम लगेगा। सब काम निपटा के विभा अपनी सास के कमरे में जाके उनके घुटनों की मालिश करने लगी। विभा, कब तक अकेले रहने का सोचा है बेटा, दूसरी शादी कर लो, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। माँ, मैं यहाँ खुश हूँ, अब खामखाम क्यों चिंता कर रही हैं। हाँ, पर अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूँ तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी, पर मैं शादी नहीं करूँगी। विभा, ये तेरा घर है, बस हम तुझे खुश देखना चाहते हैं। अब आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। विभा क्लासिकल डांस सिखाती थी। अपने इंस्टीट्यूट पहुंचकर विभा पैर में घुंघरू बांधकर नटराज स्वरूप को नमस्कार करके कुछ लड़कियों को नृत्य सिखाने में लग जाती है। ब्रेक टाइम में विभा कपिल की दी गई नटराज मूर्ति निहार रही। विभा, तुम जब एक एक मुद्रा बनाती हो ना, तो उस आसमान से उतरी हुई परी लगती हो, बेहद खूबसूरत। कपिल, आप ना मुझे मस्का लगाना बंद करिए। अपनी यादों से वापस आती विभा वापस सबको डांस क्लास देने में बिजी हो गई थी। क्लास से शाम को निकलते वक्त विभा अपनी कार स्टार्ट कर रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई। हेलो मैम। विभा ने पलटकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। जी कहिए। विभा ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया। मैम, मुझे आपसे क्लासिकल डांस की क्लास लेनी है, बट रिसेप्शन पर आपका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उस लड़की के साथ एक लड़का भी था। हाँ, अगर आप रीशु को सिखा देंगी तो एक फेवर हो जाएगा, ये काफ़ी टाइम से यहाँ चक्कर लगा रही है। बड़ी संजीदगी से उस नौजवान ने कहा। मैम, ये मेरे भाई हैं देव। ठीक है, आप कल शाम 4 बजे आ जाना, मैं मिलती हूँ कल। इतना कहकर विभा कार स्टार्ट करके निकल जाती है। रात की खामोशी विभा के कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। विभा बिस्तर में बैठे कपिल की यादों में खोई थी। इतनी रात को आइसक्रीम, तुम पागल हो विभा, सर्दी लग जाएगी, मैं नहीं खिलाऊंगा, कपिल ने विभा को बड़े प्यार से कहा था। कपिल, अभी मतलब अभी, तुम जा रहे हो या नहीं? अच्छा बाबा, विभा को याद आता है कि दिल्ली के लिए कपिल की अगले दिन की फ्लाइट थी। जल्दी जल्दी कपिल का सामान पैक करे विभा ने उसे टैक्सी में बिठाते हुए कहा था। जल्दी आना, अपना ख्याल रखना और माँ पापा का भी, कपिल ने विभा के गालों को सहलाया। विभा अपने कमरे में पहुंची कपिल की बाकी चीज़ों को समेट रही थी। 1 घंटे बाद ही एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हेलो, कौन? आप कौन? मैं विभा बोल रही हूँ, ये तो कपिल का नंबर है ना, पर आप कौन? मैडम, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ,
ये आपके कौन हैं? विभा ने घबराते हुए कहा। क्या एक्सीडेंट? पर कैसे? ये मेरे पति हैं। कौन सा हॉस्पिटल? मैं आ रही हूँ। हॉस्पिटल पहुंची तो कपिल अपनी आखिरी सांस भर चुका था। विभा को देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रात के 3 बजे विभा अपनी यादों से बाहर आई तो देखा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। विभा तकिए को बाहों में भरे कपिल को याद करते हुए सो गई थी। सुबह सब कुछ चाय नाश्ता करा के विभा अपने इंस्टीट्यूट जाके वापस बिजी हो गई थी। शाम के 4 बजे रिशु अपने भाई के साथ विभा के इंस्टीट्यूट पहुंची थी। विभा अंदर सबको नृत्य सिखाने में मदहोश थी। कमरे से बाहर खिड़की से अंदर का नजारा साफ दिख रहा था। देव की नजर जैसे ही विभा पर पड़ी उसे देखता ही रह गया। हाथों को घुमाती हुई उंगलियों से एक एक मुद्राएं बनाती विभा किसी अफसरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी सादगी, उसका पहनावा, चेहरे पर मोती जैसी खिलती हंसी। भैया कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। विभा जैसी बाहर आती है ऋषि उसे हेलो कहती है। मैम वो मुझे आज एडमिशन मिल जाएगा। हाँ कल से 5 से 6 की क्लास में आ जाना। रिसेप्शन पर आप फॉर्मेलिटीज कर दो। आप कब से क्लासिकल डांस की क्लास दे रही हैं? देव ने विभा से सवाल किया। पिछले 4 साल से। अच्छा करती हैं वैसे आप, मैंने देखा। जी शुक्रिया। बस इतना कहकर विभा वहाँ से निकल गई। एक शाम देव विभा के बारे में सोचने लगा तभी वहाँ रिशु आ गई। भैया पता है विभा मैम इतना अच्छा सिखाती हैं और गलती करो तो बिल्कुल भी नहीं डांटती। पर देव अभी भी विभा के ख्यालों में था। भैया कहाँ खोए हो आप? अरे तू आ गई। अच्छा और बता मेरी विभा मैडम कैसी है? भैया वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। पर आपको एक बात पता है भैया, उनके साथ ना जिंदगी में बहुत बुरा हुआ। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनका 4 साल का बेटा है। वो बहुत प्यारी है, आज भी वो अपने पति को बहुत याद करती है। पता है उनकी वजह से ही आज वो ये सब कर पा रही है। तो विभा दूसरी शादी क्यों नहीं करती? देव ने थोड़ा विभा का ख्याल जताते हुए कहा। क्योंकि उनके सास ससुर की जिम्मेदारी उन पर है। देव अब सोच में पड़ गया। एक तो इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई और इतनी समझदार भी कि कपिल के जाने के बाद भी वो रिश्ते निभा रही है। देव को विभा बहुत पसंद आ गई थी। शाम के 6 बजे अगली शाम देव ऋषु को लेने विभा के इंस्टीट्यूट पहुंचा। अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछती हुई विभा एकेडमी से बाहर आ रही थी। देव विभा को देख रहा था। विभा ने जैसे ही देखा कि देव खड़ा है तो वो रुक गई। वो ऋषु, हाँ वो आ रही है। तभी वहाँ ऋषु आ जाती है। भैया आ गए आप? मैम आज आप क्यों ना हमारे साथ कॉफ़ी पर चले? नहीं नहीं थैंक यू, आप लोग जाइए। मैम प्लीज़ चलिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक्चुअली मुझे डांस फॉर्म्स के बारे में ही कुछ आपसे पूछना था। नहीं आज नहीं, फिर कभी, लेट हो रहा है बहुत। अरे हम आपको ड्रॉप कर देंगे आज। वैसे भी आप अपनी कार कहाँ लाई हैं? ऑटो रिक्शा से आई है ना? बहुत मनाने पर विभा उन दोनों के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती है। दोस्तों मिलेंगे इस प्यारी सी लव स्टोरी के अगले पार्ट में। तब तक ध्यान रखें, टेक केयर। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की प्रेम कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।